वेलकम टू संकल्प क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे युंग का वर्गीकरण। ये जो युंग हैं, ये फ्रायड के शिष्य थे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि युंग किसके शिष्य थे, ये फ्रायड के शिष्य थे। ये एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और इनका जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुई थी, ये तो खैर कोई बात नहीं है, परंतु युंग फ्रायड के शिष्य थे, ये ध्यान देने की बात है। और इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में किया था, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में। लोग कहते हैं कि तीन प्रकार से किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये उभयमुखी इन्होंने नहीं दिया था, मैं आपसे ये बात जरूर ध्यान दें, केवल इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में किया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में किया था। अब ये तीसरी बात मैंने क्यों लिखी है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने तो केवल दो प्रकार बताए थे, दो तरीके से बताया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अभी तक आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात है ये किसके शिष्य थे, ये थे फ्रायड के शिष्य, और इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में किया। अब अंतर्मुखी कौन से होते हैं, इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं, ये लज्जालु होते हैं, ये संकोची होते हैं, ये दब्बू होते हैं, ये विचार प्रधान होते हैं, निर्णय में विलंब करते हैं, कोई भी निर्णय लेने में बहुत विलंब करते हैं, भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, सामाजिक कामों के प्रति कम दिलचस्पी होती है इनमें, और ये कल्पनाशील होते हैं, आलोचना से घबराते हैं, एकाकी होते हैं, आइसोलेटेड, और शांत प्रकृति पाई जाती है इनमें। ये इनके लक्षण थे, जो इनके गुण पाए जाते हैं इंट्रोवर्ट में, इनकी ये पहचान होती है, ठीक है। और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, ये बाह्य केंद्रित होते हैं, इनका जो माइंड है बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, बाहर दुनिया को, बाहरी जगत में रहने वाले होते हैं, ये मिलनसार होते हैं, ये असंकोची होते हैं, कोई संकोच नहीं करते किसी प्रकार का, ये दबंग होते हैं। दबंग का मतलब, मैं सलमान खान से नहीं है मेरा मतलब कि दबंग कोई पिक्चर है, बस ये लज्जालु होते हैं इधर इंट्रोवर्ट, ये दबंग होते हैं, ये वाक्पटु होते हैं, मतलब जो भी इन्हें बोलना होता है बोल देते हैं, ये व्यवहार कुशल होते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, और ये वर्तमान में जीते हैं, जो आज हो रहा है बिल्कुल वर्तमान में विश्वास करते हैं, ये सामाजिक होते हैं, वास्तविक जगत में रहने वाले होते हैं, आलोचनाओं की परवाह नहीं करते, समूह में रहने वाले होते हैं, और ये क्रियाशील रहते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो गुण होते हैं वो बताए हैं, इनकी पहचान बताई है, जो युंग ने वर्गीकरण किया दिया था। अब ये इन्होंने सिर्फ दो प्रकार से दिया था, मैं बार बार ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग तीन प्रकार से बताते हैं। अब उभयमुखी क्या है, उभयमुखी एम्बिवर्ट क्या है, देखो कुछ व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहिर्मुखी होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे नेमन और येकोर्जंस्की, नेमन और येकोर्जंस्की ने 1942 में एक नया वर्ग बनाया जिसे उभयमुखी कहा। इसमें दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो एम्बिवर्ट होते हैं इसमें दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं, और ये वर्ग बनाया था नेमन और येकोर्जंस्की ने। और युंग ने क्या दिया था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और उभयमुखी तो भैया ये नेमन और येकोर्जंस्की ने दिया था। तो ये था युंग का क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स जरूर दें, और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।